हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश गीता ब्लॉग, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसे आप देख पाएंगे कि एक दोस्ती, जिसे मित्रता कहते हैं, इतना घनिष्ठ होना चाहिए जैसे कि एक दूध और पानी का होता है। जिस प्रकार से पानी दूध में मिल जाता है तो अपना रंग रूप स्वाद प्रभाव सब कुछ अपना छोड़ देता है, वह उसमें एकदम विलीन हो जाता है। और दूध भी यही सोचता है कि चलो, पानी अगर आग कर मेरे अंदर समाहित हो रहा है तो मैं भी अपना स्वाद तुम्हें देता हूँ, अपना रंग दे देता हूँ, अपना प्रभाव दे देता हूँ। लेकिन जब ऐसा होता है, दूध और पानी को आग पर रखा जाता है, तो पता चलता है कि दूध गर्म होने लगता है। तो पानी कहता है कि हे मित्र, मैं आपको जलने से पहले अपना सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार पानी जल कर उड़ने लगता है, हाँ, बनकर उड़ने लगता है। तो अपना मित्रता निभाने के लिए दूध भी क्या करता है कि दूध व्याकुल होकर के, जब भाप बनकर पानी उड़ने लगता है तो दूध व्याकुल होकर के वह खोलने लगता है, उबाल उछाल मारने लगता है वो, और बर्तन से ऊपर आकर के वह आग को बुझाता है कि रुको, मैं तुम्हें ही मार डालता हूँ जो मेरे मित्र को जला रहे हो। इस प्रकार से दोनों, दूध और पानी का मित्रता की घनिष्ठता देखने को मिलती है। इस तरह से हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर मित्रता होनी चाहिए। आप भी इस प्रकार की मित्रता को निभाएं ताकि दूध और पानी के स्वाद रंग रूप को आप में हम पा सकें। धन्यवाद। थैंक यू।